नमस्कार पत्रकार साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम मध्य प्रदेश के संदर्भित विषय पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव जेपी अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि पहले वो विषय प्रवर्तन और विषय पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम फिर आप लोगों के प्रश्न उत्तर का जवाब देंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनके खिलाफ हम ये उठा रहे हैं उनके लिए शायद ये रोजमर्रा का काम है, वो है भ्रष्टाचार। कर्नाटक में हमने एक स्लोगन दिया था 40% कमीशन वाली सरकार, और उसी तरह का एक घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है और वो भी महाकाल के मंदिर में, उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है जिसकी बहुत पुरानी पुराणों वाली मान्यता है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बहुत धार्मिक भावना के साथ लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, और वैसे नहीं भी जाते तो भी वो एक जुड़ाव है धार्मिक भावना का। अगर वहां पे कोई भ्रष्टाचार होता है तो शायद उस दिल में पीड़ा होती है। अपनी लूट खसोट और बेईमानी को अंजाम देने के लिए इन्होंने महाकाल के पवित्र धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा। शायद धर्म के नाम पर की गई इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। आप कितनी बेईमानी कर रहे हैं, कितनी बार आपके घोटाले पकड़े जाते हैं, पूरा चुनाव कर्नाटक का 40% कमीशन वाली सरकार के नाम पे लड़ा गया, ये तो 100% बेईमानी वाली सरकार के अंतर्गत ये सारा घोटाला हुआ है, जिसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने अभी आगे रखना चाहता हूं। हम हमेशा कहते हैं कि प्रशासन चलाते हैं, लेकिन उसमें भी इनकी नीयत साफ नहीं होती, कहीं 40% तो कहीं 50% कमीशन की सरकारों के नाम से जाने जाते हैं। धर्म के नाम पर की गई यह लूट, लोकायुक्त के द्वारा जब कुछ अफसरों को चिन्हित किया गया तो पूरी सरकार उनको बचाने में लग गई और उस इंक्वायरी को बंद कर दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस मंदिर में प्रधानमंत्री गए, इतना बड़ा शोर मचा सारी दुनिया के सामने टेलीविजन के द्वारा, वो सारा मामला रखा गया, प्रधानमंत्री की यात्रा दिखाई गई, लेकिन वहां पे जो मूर्तियां लगी उसमें भी बेईमानी करने की नीयत रही इनकी, उसमें भी घोटाला करने की नीयत रही, उसमें पैसे खाने की नीयत रही, और करोड़ों रुपए की वो मूर्तियां एक जरा सी हवा में धराशायी हो गई, वो टूट गई। ऐसी काय की मूर्तियां थी, हमारे पूरे हिंदुस्तान में कितने ही मंदिर ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे, आज तक कितने भूकंप आ गए और सारा हो गया, हवा भी चलती रही, लेकिन मजाले किसी मंदिर की एक मूर्ति भी टूट गई हो। लेकिन ये क्या है, क्या आप कैसी कागज की मूर्तियां लगाई थी आपने, यही जगह खाने को रह गई थी कि धार्मिक जो हमारे स्थल है आप उसमें ही पैसा खाने के लिए रह गया आपका। तो जो इनका और भ्रष्टाचार सरकारी तौर पर चल रहा था, जिसको हम बार बार उजागर करते रहे हैं, उसमें एक ये नई कड़ी सामने आई है जिसका हमें बहुत दुख और तकलीफ है। जहां करोड़ों की मूर्तियां लगी हो, क्या ये मुमकिन है कि हवा चलने से टूट जाए? हमारे इतने पुराने मंदिर और तीर्थ स्थल, इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी में पैसा खाने की इतनी होड़ है कि उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री जी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किया गया और 8 महीने पूरा होने से पहले ही सप्तऋषियों की मूर्ति हवा चलने से टूट गई। प्रधानमंत्री के इस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, वो आपने सबने भी वो पूरा तमाशा देखा, और वो किस तरह की धार्मिक भावना के साथ उन्होंने किया उसका अंदाजा आपको लग जाएगा कि जो कुछ इन्होंने किया। तो हमारे जो
पहली हमारी मांग ये है, हमारे कुछ सवाल हैं जिसमें क्या महाकाल लोक में 351 करोड़ रुपए से किए गए प्रथम चरण के विकास कार्य में गुजरात की किसी कंपनी को ठेका दिया गया था जिसने इन मूर्तियों का निर्माण किया। नंबर दो, क्या उज्जैन के स्थानीय विधायक महेश परमार सहित विधायकों ने लगातार महाकाल लोक और स्मार्ट सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की गुहार शिवराज जी से नहीं लगाई थी और क्या लोकायुक्त में केस भी दर्ज नहीं कराया था? नंबर तीन, क्या आप लोग इस सनातनी आस्था के किए गए आघात के लिए देश से माफी नहीं मांगेंगे? नंबर चार, आप लोग अयोध्या के राम मंदिर में हुए भूमि घोटाले से लेकर महाकाल लोक में हुए घोटाले तक पर मौन साधे क्यों रहते हैं? क्या महाकाल लोक के उद्घाटन में लोगों को लाए जाने से लेकर प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के प्रचार प्रसार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सत्ता कब तक देश की आस्था से खेलकर सत्ता की भूख मिटाती रहेगी? और हमारी मांग है कि हाईकोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एक कमेटी, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का प्रश्न है। और हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारी सरकार जब मध्य प्रदेश में आएगी तो हम देश के बेहतरीन शिल्पकारों से और जो ग्रेनाइट पत्थर है या और जो अलग शिल्पकारों का के जो साधन से जो पत्थर बनाए जाते हैं तलाशे जाते हैं उनकी मूर्तियां हम इस मंदिर में पूरी आस्था के साथ लगाएंगे। पत्रकार साथियों, ये मेरा पहला अवसर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस मंच से मैं पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहा हूं और मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ विनीत पुनिया जी, अनुमा आचार्य जी और स्वयं हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी मूर्धन्य नेता बड़े नेता जेपी अग्रवाल साहब का सानिध्य मुझे मिल रहा है। जेपी अग्रवाल साहब ने जो अलौकिक वर्णन महाकाल का किया है तो कहा जाता है आकाशे तारका लिंगम पाताले हाट केश्वरम मृत्यु लोके महाकालम। सभी हमारे जितने ज्योतिर्लिंग है उनको हम नमस्ते करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी महिमा है वो इन सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने देवस्थान है उसमें सनातन संस्कृति में सबसे बड़ी महिमा महाकाल की है। आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद कहावे अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। आदि अनादि भगवान शंकर महेश जो साक्षात महाकाल में विराजमान है। प्रधानमंत्री जी, दुख इस बात का हुआ कि ये भीषणतम भ्रष्टाचार इस अलौकिक सत्ता के खिलाफ आपने किया और ये जो श्रद्धा आपकी है ये सिर्फ श्रेय की है, आध्यात्मिक ध्येय की नहीं है, ये साफ प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री जी, आपने जब इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी 11 अक्टूबर 2022 को तब इसका अलौकिक वर्णन किया था, मगर आज दुर्भाग्य है कि जब इतना भीषणतम भ्रष्टाचार देश के सामने आया, जब हमारे सप्त ऋषियों की मूर्तियां शत विक्षत अवस्था में पड़ी है और वो चीख चीख कर उसका अवरुद्ध विकास आपको पुकार रहा है प्रधानमंत्री जी कि इसका संज्ञान लीजिए, तब आपकी चिड़िया एक ट्वीट करने तक को तैयार नहीं है। दुखद बात यह है कि सदन में और सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने मुखरता से इस बात को रेखांकित किया कि हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, कम से कम हम देवस्थानों को तो छोड़ दें, वहां पर कम से कम हम सामूहिकता के साथ एक स्वर में कहें कि गलत नहीं होना चाहिए। तब सदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, विधायकों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि आप महाकाल की आस्था पर आघात कर रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी इससे बड़ा कुठाराघात और आघात नहीं हो सकता जो किया गया है। महाकाल की अलौकिकता के साथ, उस देवस्थान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों ने सरकार में आते ही जब
मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने तब हमने ये तय किया था, सबसे पहला जो कदम हमारा था वो 12,000 मंदिर जो शासकीय संधारित थे उसके लिए हम एक कानून लेकर आए थे। हम कानून लेकर आए थे उनके संधारण का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले तो महामहिम राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और राष्ट्रपति जी को भेज दिया, लेकिन जब हथखंडों से ये सरकार हथिया ली गई तो वो कानून भी वापिस इन लोगों ने मंगा लिया। हमने पुजारियों का मानदेय 3 गुना किया था। जो 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में थे, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, दोनों को विधि पूर्वक एक अलौकिक स्वरूप प्रदान करने का मानस हमने बनाया था। और उन दोनों के लिए ये जो न सिर्फ उसका हम लोगों ने मंशा व्यक्त की अपितु सारे संतों महंतों को बुलाकर उनकी इच्छा के अनुरूप इसके विकास कार्य पर पहला कदम बढ़ाया था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज वो भीषणतम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। जैसा कि अभी अग्रवाल साहब ने आपको बताया, हम लोग आते ही जो हमारे सबसे पहले क्रम के कार्य होंगे उसमें ये काम करेंगे कि सरकार बनते ही हम संगमरमर की या जो प्रचलित शिलाओं की प्रतिमा बनाई जाती है वो सप्तऋषियों की प्रतिमा बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जो विवेकहीन है, जो आचरणहीन है, उनको वेद भी पुनीत नहीं कर सकते। अयोध्या के राम जन्मभूमि के भूमि का घोटाला हो या यहां पर हमारी आस्था को खंडित किया गया हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सत्ता उस पौराणिक काल में हथियाई गई थी, तुलसीदास जी ने कहा है नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई, उस प्रकार इस सत्ता को हरण किया गया। और हम हर संभव कोशिश करेंगे, जेपी अग्रवाल साहब ने आपको वादा किया है कि हम आकर वहां उसकी पुनर्स्थापना करेंगे, जो महाकाल का अलौकिक वैभव है उसको पुनर्स्थापित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर, इसके एक तो प्रश्न लगाए थे हमारे जो विधायक थे महेश परमार ने, और उस प्रश्न के जवाब में भी उन्होंने गोलमोल जवाब उसका दिया था। ये पहले भी कई बार उठा है, लेकिन अभी जो सारे तफसील के साथ अखबारों में पूरी रिपोर्ट आई है, यहाँ तक आया है कि क्या मटेरियल उसमें लगा, क्या लगना चाहिए था, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सारी तफसील आप अखबारों में देख सकते हैं। तो इन्होंने प्रश्न के जवाब में तो ये कह के टाल दिया कि साहब आप महाकाल पे भी सवाल कर रहे हो, अब ये सब सारी दुनिया के सामने सवाल आ गया। सर मुझे बताइए कौन सी हवा चल गई जो मूर्तियां टूट गई दिल्ली में? अब हमारे पिताजी की मूर्ति भी लगी हुई है और इतनी मूर्तियां दिल्ली में लगी हुई है, कोई मूर्ति हवा से टूटती है? ये पहला मैंने देखा है कि मूर्ति ऐसी क्या कागज की बनाई थी, और वो उसकी ऊंचाई आपने देखी है, उसकी ऊंचाई इतनी है कि वो कुछ तो बाहर होना चाहिए था, तो ये बड़ी अजीब बात है, ये तमाशा कहीं देखिए। ये जो है फाइबर इन्फोर्स प्लास्टिक की मूर्तियां थी, उस फाइबर इन्फोर्स प्लास्टिक की मूर्तियां भी गिरने से टूट नहीं जाती, खंडित नहीं हो जाती। एक गंभीर चूक ये सामने आई, जो इस बात को स्वीकारा भी जा रहा है कि ग्राउटिंग तक नहीं की गई थी उसकी। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्घाटन करने के लिए वो मूर्तियां लाकर रख दी गई, उसके बाद उसका संज्ञान भी नहीं लिया, और 1, 2, 3, 5, 6 नहीं है, 125 से अधिक उस प्रकार की मूर्तियां वहां लगी हुई है। और ऐसा सारा विकास कार्य प्रतीत होता है प्रथम दृष्टि में कि वो खोखले स्वरूप का है, तो इसकी गंभीरता से जांच के लिए भी हम आपने उस जवाब का पूरा हिस्सा नहीं सुना, आपने आधा जवाब दिया उसका जो आपको मालूम है। उसने आगे ये भी कहा है जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ उसने ये कहा कि हम इसे रिप्लेस करा देंगे, रिप्लेस जब कोई ठीक करा देंगे। दस सर दस
ये कहीं आपने देखा है दुनिया में किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा है कि आपने ऐसा क्या मटेरियल लगा दिया जिससे 10 साल के लिए मूर्ति को रिप्लेस करना पड़ेगा? तो कोई खराबी थी उसमें, भ्रष्टाचार, मतलब इतनी इतना ज्यादा गिरापन की भगवान की मूर्तियों में भी एक एक कण में भ्रष्टाचार, उसमें से भी पैसे निकालने की नियत, इससे ज्यादा और क्या खराबी होगी? ऐसा दुनिया में देखिए, उनकी पोल इसी बात से खुल जाती है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए। एक अभी आपने जो कहा, पहली बात तो ये बता दूं, हमारी सनातनी आस्था की बात है, खंडित मूर्तियां कभी भी रिपेयर नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो ठीक करके लगा देंगे। क्यों लगा देंगे साहब ठीक करके? एक तो हमारी आस्था खंडित हुई है और मूर्तियां, खंडित मूर्तियां नहीं लगाई जाती। दूसरा क्या क्लॉज बता रहे कि 5 साल? अरे साहब फिर कैसे कहते हो कि वो स्थाई अस्थाई है? अगर आप खुद क्लॉज डाल रहे हो 5 साल का और लाइफ बता रहे हो 10-20 साल उसकी लाइफ होती है, तब टेम्परेरी अरेंजमेंट कैसे हुआ? प्रमाण दे दो उसके कि वो टेम्परेरी अरेंजमेंट था। तो ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कवायद मात्र है। और एक बात और है कि लोकायुक्त ने उन्हें दोषी माना है, 15 अफसरों को, जिसकी जांच को इन्होंने इधर उधर कर दिया और सबको बचाने में लग गए। टोटल 351 करोड़ का पहला चरण। हाँ, 351 करोड़ फर्स्ट फेज। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।